दोस्तों सुपर फोर मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट लेते ही हारिस राउफ घमंड में आ गए हैं। इसके बाद उन्होंने विराट कोहली को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हर एक विराट कोहली का फैन उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार हारिस राउफ ने क्या कहा है, क्या दिया है बयान, दिखाएंगे उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस राउफ के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। 2 सितंबर को खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में भी हारिस राउफ ने 4 विकेट लिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए बांग्लादेश के खिलाफ भी 4 विकेट लेते हुए सनसनी मचा दी। दोस्तों वो हारिस राउफ की बेहतरीन गेंदबाजी थी जिसके दम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंद डाला। दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के सामने केवल 193 रन ही बनाए थे और इस 193 रन को पाकिस्तान की टीम ने 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया, जिसमें मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की जिसके दम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बुरी तरीके से हराया। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी करने के लिए हारिस राउफ को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाते ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हारिस राउफ ने जो बातें कही हैं सच में उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल हारिस राउफ ने बयान देते हुए कहा, हमारी टीम इस वक्त शानदार खेल दिखा रही है और हम इस वक्त बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा फोकस किसी एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाने का नहीं है, बल्कि मेरा फोकस इस पर है कि एशिया कप में मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनूं। सच कहूं तो मैं 10 सितंबर को भारत के खिलाफ मुकाबले का इंतजार कर रहा हूं, जहां पर मुझे एक बार विराट कोहली का विकेट लेना है। मैं जहां जाता हूं वहां पर कोहली कोहली के नारे लगते हैं, लेकिन एक बार मैं उन्हें आउट कर दूंगा तो वो सारे लोग चुप हो जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि 10 सितंबर को उनका विकेट मैं ही लूंगा। दोस्तों पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस राउफ ने बड़ी ही हैरान करने वाली बात कही और विराट कोहली को एक तरीके से धमकी भी दे डाली है। अब देखना ये होगा कि विराट कोहली हारिस राउफ का जवाब किस तरीके से देते हैं। वैसे ये बात तो सभी जानते हैं, विराट कोहली किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं। अब दोस्तों 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में एक अलग ही जंग देखने को मिलने वाली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है 10 सितंबर को कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान, विराट कोहली या हारिस राउफ? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।